तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप लोग गूगल पे फोन पे के माध्यम से एटीएम मशीन से कैश कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप लोग को स्कैन करना है, स्कैन करके पेमेंट करना है, इसके बाद तुरंत आपका पैसा निकल जाएगा बिना एटीएम कार्ड का। ठीक, तो उसको कैसे करना है, यहाँ पर बेसिकली एटीएम मशीन में दो ऑप्शन आपको मिलता है और ये जो सुविधा है बता दें कि सभी एटीएम मशीन में है, सभी बैंक के एटीएम मशीन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एसबीआई का एटीएम मशीन है। ठीक है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के भी एटीएम मशीन में मिलेगा, यूनियन बैंक के भी एटीएम मशीन में मिलेगा, सभी बैंकों के एटीएम मशीन में मिलेगा, बस आपको सर्च करना है कि ये ऑप्शन कहाँ पर है। तो चलिए आप लोग को बताता हूँ प्रोसेस कि कैसे निकलेगा पैसा। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर दो तीन ऑप्शन शो होता है, पहला यहाँ पर देखिए यूपीआई क्यूआर कैश, दूसरा क्यूआर कैश, ठीक है, तीसरा योनो कैश। तो देखिए अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आप लोग योनो के माध्यम से निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप फोन पे गूगल पे के माध्यम से जो है कि पेमेंट निकालना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कैश और क्यूआर कैश यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, तो दोनों के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली देखिए यूपीआई क्यूआर, जैसे कि अगर आप लोग क्यूआर के माध्यम से निकालना चाहते हैं, क्यूआर कैश पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है, 2000 का 4000 का। डोंट वरी, अगर आप लोग 500 रुपये भी निकालना चाहते हैं तो भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर 2000 निकालना है, 2000 पर क्लिक करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और आप लोग जैसे ही स्कैन करेंगे फोन पे गूगल पे के माध्यम से तुरंत आपका विड्रॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है कि 500 रुपये ही निकालना है आपको, ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। उसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो यूपीआई क्यूआर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यूपीआई क्यूआर कैश का, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर डालना है। ठीक है, मैक्सिमम 5000 यहाँ से निकाल सकते हैं, मिनिमम जो है कि 100 रुपये तक निकाल सकते हैं, लेकिन 100 के मल्टीप्लाई में ही होना चाहिए, जैसे कि 950 या फिर 1150, 350 ऐसे नहीं निकलेगा। निकलेगा कैसे, 900, 1000, 1100, 1500 ऐसे निकलेगा 100 के मल्टीप्लाई में ही। ठीक है, तो वही आपको अमाउंट यहाँ पर डालना है, अमाउंट डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, जैसा कि अभी क्यूआर कोड एक जनरेट हुआ था, उस क्यूआर कोड को अपने गूगल पे फोन पे से स्कैन करना है और स्कैन जैसे ही करेंगे तो आपका जो है कि पेमेंट जो है कि विड्रॉल हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास, मेरे केस में यहाँ पर एक ही मोबाइल है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर स्कैन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्कैन करूँगा तो जो मेरा वीडियो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है कि डायरेक्टली जहाँ पर भी पैसा निकाल रहे होंगे निकाल सकते हैं, कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 5000 निकाल सकते हैं और जो है कि 100 के मल्टीप्लाई में ही पैसा निकलेगा। ठीक है, ये सुविधा बहुत बेहतरीन है और ये लगभग सभी बैंकों के एटीएम मशीन में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चाहे किसी भी बैंक का एटीएम मशीन हो। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये सुविधा आप लोगों को कैसा लगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ।